ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेले ही हज़ारों साइंटिस्ट के मुकाबले ज़्यादा दिमाग दौड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की काबिलियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस बात को खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल ने जब आइंस्टाइन का मौत डिक्लेयर की तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया की सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे जैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफ़र। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वे प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का लाइसेंस भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे प्रिजर्व करके रखे थे वो उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज़ ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को कहीं उठाकर फेंक दे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिता चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यह वो अपने टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर शहरों में ब्रेन लेके घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वे कुछ खास रिसर्च ना कर सके, उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नवादिया तक पहुंच गई कि उनको प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा सा फैसला लिया कि वो उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्से को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यह जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म की लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम आता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने का, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर, इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी है। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से में आपस में जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी अलग था, और रिसर्चर का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था।
न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन को वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे ही स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे, या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 सालों की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही घूम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल्स भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने की। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे, जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक उनके पास भूल गए। हैरतअंगेज दौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस ने उनकी इतनी स्ट्रांग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजरते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमिलिटी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा ले कि आज भी आइंस्टाइन की थ्योरीज़ के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मार्टर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।